ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप सबसे सिर्फ एक परमिशन लेना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन के साथ सिर्फ 2 मिनट बिताना चाहता हूँ। अब आज ये इसका स्पेशल डे है और इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल किया है, बस इसे बहुत ही खाना चाहता हूँ। एक बार नायरा सिंघानिया मंडप पे बैठ गए ना, तो उसके बाद गोइंका बन के उतरेगी, इसलिए मैं ये पल चुराना चाहता हूँ, ओनली इफ यू अलाउ। इसके लिए आपको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो नायरा अब भी सिंघानिया है, और दूसरी बात कि शादी के बाद भी उसकी फैमिली का उस पर ज्यादा हक होगा हमेशा, तो प्लीज। पहचान नायरा, ये देख चांदी का झुंझुना जो मैंने पहली बार तेरे लिए सिलेक्ट किया था। ये तो मेरी स्लेट है ना? ये वही स्लेट है जिस पे लिखती तू कम थी और चौक ज्यादा खाती थी। और ये वही घड़ी है ना जो मैंने आपसे शर्ट में जीती थी। और ये देख, ये वही टेडी बेयर है जो मेरी जासूसी करके तूने पापा से लिया था, 007। वो देख, ये क्या? ये मेडल्स। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तुझे पता नायरा, मैंने कितना सोचा कि अपनी क्यूट सी बहन को मैं क्या गिफ्ट दूं, फिर सोचा कि मेरी बहन अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है, घर के साथ साथ तेरी यादें, तेरी चीजें, इन सब की जगह तेरी नई यादें और नए अनुभव आने वाला, तो क्यों ना इस सब रिश्ते से तुझे छोड़ने का एक और मौका दिया जाए। मैं इनमें से कुछ अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरी क्यूट बहन, सब कुछ तेरा ही है, जो चाहे ले जा। गलती हो गई हमसे मनीष बेटा, खुद समझ नहीं पा रहे, जितना परिवार को एक करने की कोशिश करते उतने असफल होते हैं। क्या क्या नहीं किया हमने, पूजा पाठ व्रत उपवास,
लेकिन जो चाहते थे वो पल तो नहीं मिला हमें। परिवार जुड़ने के बजाय बिखरता जा रहा है, सब जैसे हाथों से छूटता जा रहा है हमारे। सोचा था पोते की शादी कर रहे, अब घर में फिर से खुशियां लौटेगी, लेकिन खुशियां आने से पहले ही लुट गई। किट्टू घर छोड़ के नहीं गया, हमारी सासे चली गई है। कार्तिक खुद नहीं गया है मां, नायरा उसे लेकर गई है। रिश्ता का मिलना जुलना जो तुम्हें समझदार लगती थी ना स्वर्णा, वो सचमुच बहुत समझदार निकली। हम सबको बेवकूफ बना गई वो। नायरा ने जो कुछ भी किया उस बात का मुझे बहुत बुरा लगा है मनीष, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा है कि वो कुछ ऐसा कर सकती, वो हमें धोखा भी दे सकती है। बात कुछ और है। जब तक असली बात हमारे सामने नहीं आती हम उसे कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? कार्तिक ने कभी मुझे पसंद नहीं किया, इतने सालों तक उसने आपसे सिर्फ नफरत की है। उसका घर छोड़कर जाना उसकी अपनी इच्छा भी हो सकती है ना। हो सकता है कि नायरा ने उसे रोकने के लिए ये सब कहा हो और उसे गुस्सा आ गया हो। आप तो कार्तिक को अच्छे से जानते हैं, ये सब भी हो सकता है ना। वो तो कुछ भी सकता है, खासकर तब जब इंसान मन बना चुका हो कि खुद को बेवकूफ साबित करना ही है। क्या हो गया तुम्हें? हैरानी हो रही है मुझे तुम्हें देखकर। वो लड़की जो तुमसे उम्र और अनुभव में आती है वो तुम्हारा बेवकूफ बना गई है, तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठा गई है और तुम्हें एहसास तक नहीं। मुझे लगता था मेरी पत्नी बहुत समझदार है, मगर नहीं। आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। और सच्चाई ये है कि उस लड़की ने बहुत सही वक्त पर बहुत सही तरीके से अपनी चाल चली, कार्तिक में सिर्फ अपना हक जमाया, तुम्हें उसकी नजरों में गिराया, हमारे बिजनेस को कमजोर किया कार्तिक को उससे दूर करके, और सबसे बड़ी बात मां को ठेस पहुंचाई, हमारे महीनों की मेहनत पर पानी बैठ दिया। और आज हम फिर से वही खड़े हैं जहां 8 महीना पहले खड़े थे जब कार्तिक घर छोड़कर चला गया था। और ये सब हुआ है सिर्फ नायरा की वजह से। Thank you.
अच्छा ही हुआ कि लाइट नहीं, जो बात मैं कहना चाहती हूँ वही वो मन का अंधेरा इस घर के अंधेरे को और ना बढ़ा दे। आई एम सॉरी, मैंने पहले वो बात नहीं बताई। मैं जानती हूँ इस वक्त मैं जो भी कहूंगी ना तो तुम उस बात पे यकीन करोगे और ना ही समझोगे, फिर भी मैं कह देना चाहती हूँ ताकि बाद में मेरे मन में अफसोस ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने पहले भी कोशिश की थी कार्तिक तुम्हें मनाने की, तुम्हें बताने की। उसके लिए जो लोग ये चाहते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें हमेशा अपने सामने देखना चाहते हैं, मैंने इशारों से नजरों से कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर तुम नहीं समझे, या शायद तुमने समझना ही नहीं चाहा। तुम्हें याद है जब हम, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है कार्तिक, बहुत प्यार करती है तुमसे, पर वो होता है ना कभी कभी, ये आप चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, जो जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है। कार्तिक जरूर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जब तुमने किसी को कुछ बताना चाहा होगा, कोशिश भी की होगी पर उसके बावजूद भी नहीं बता पाए होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, जे के हो रहा है अठे, हम इंसान हमेशा सही वक्त का इंतजार करते रह जाते हैं पर वो सही वक्त आता ही नहीं। मैंने भी यही किया, कहीं ना कहीं मुझे भी विश्वास था कि तुम रुक जाओगे। कहां से आया ये विश्वास, ये ख्याल भी कहां से आया तुम्हारे दिमाग में कि मैं वहां पर रुक जाऊंगा? हजार बार बता चुका हूं तुम्हें वो एक एक बात जिससे मुझे तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों से नफरत है, नहीं रह सकता मैं उनके साथ। तो फिर कैसे सोच लिया तुमने? न जाने कितनी बार रोया होगा मैं तुम्हारे आगे, कितनी बार अपना दिल खोल कर रखा होगा, कितनी बार अपनी तकलीफ, अपना जख्म दिखाया होगा तुम्हें। फिर कैसे सोच लिया तुमने नाहिरा, कैसे सोच लिया कि मैं उस घर में उन लोगों के साथ रहूंगा? कार्तिक तुम सिर्फ वही कह रहे हो जो तुमने दिखाया है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मैंने खुद देखा है। तुमने छुपाने की कोशिश भी की तब भी कि तुम अपनी फैमिली से बहुत हाँ, मैं प्यार करता हूँ उनसे, वो मेरी फैमिली है नाहिरा, ऑफ कोर्स आई लव देम और हमेशा करता रहूंगा। मैंने भी अपनी फैमिली को उतना ही मिस किया नाहिरा जितना तुमने मिस किया जब तुम अपनी फैमिली से दूर थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं वहां जाकर रह लूंगा उनके साथ। चूंकि नाहिरा मेरे वहां रहने की कीमत उन्हें दो लोगों की कमी से चुकानी पड़ेगी जो मेरी दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और इस उम्र में मैं अपनी दादी को और दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बहुत सारी बातें उन्हें नहीं बताता, छुपा देता हूं बहुत सारी चीजें उनसे। मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, हर चीज शेयर की इस उम्मीद के साथ कि तुम भी मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी, लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ आते ही मेरा साथ छोड़ दिया, उनकी तरफ चली गई, जिस इंसान से मैंने जिंदगी भर नफरत की नायरा, तुमने जाकर उन्हीं को प्रॉमिस किया कि वो जैसा चाहती है वो बात तुम मुझसे मनवाओगी। कार्तिक मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और कुछ नहीं, इसलिए सब छोड़ो, मुझ में अब हिम्मत नहीं है और बहस करने की, ऑलरेडी बहुत मुश्किल से ये सारा दिन बीता है मेरा, अब और नहीं होगा मुझे, तुम प्लीज अब बदतर आ जाओ ताकि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके।
तुमने की है? हाँ, ये गलतफहमी थी कि मेरी तरह तुम भी इस घर के सपने देख रही थी। ये रिश्ता क्या है?